हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आजकल आप देख रहे होंगे, जब भी आप अपने यूट्यूब पे स्क्रॉल करते होंगे तो आपको दिखते होंगे एल्प्स गुडनेस की ये दोनों ही बॉटल, जिसमें एक छोटी सी जो बॉटल आप देख रहे हैं ये इसेंशियल ऑयल है एंड दूसरा है रोजमेरी वाटर। तो फ्रेंड्स, आप दोनों में क्या फ़र्क पाते हैं? जो छोटी बॉटल है ये 10 ml की है और इसकी जो MRP है वो फ्रेंड्स है 175, जबकि ये डिस्काउंट के साथ आपको मिल जाएगी। एंड जो सेकंड बॉटल आप देख रहे हैं वाटर कंसिस्टेंसी के साथ, तो फ्रेंड्स ये बॉटल है 100 ml की एंड ये आपको मिलेगी 190 के अराउंड। तो मैं आपको बता दूँ इसमें क्या अंतर है और आपको कौन सी अप्लाई करनी है कौन सी नहीं। तो मैं आपको बता दूँ इसेंशियल ऑयल की जो बॉटल है फ्रेंड्स, इसके 2 से 3 ड्रॉप ही काफ़ी होते हैं। एल्प्स गुडनेस स्विस लव रोजमेरी इसेंशियल ऑयल, तो फ्रेंड्स हेयर स्ट्रेंथनर एंड फाइट डैंड्रफ, रिलीव स्ट्रेस, ये सभी के लिए, क्योंकि इसकी स्मेल इतनी अच्छी होती है जिससे ये हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करती है। तो फ्रेंड्स, इसकी 2 से 3 बूंदें हमको किसी भी ऑयल में मिलाकर ऐड कर अपने बालों में लगाना होता है, क्योंकि ये इसेंशियल ऑयल है, इससे 2 से 3 बूंदें ही काफ़ी होती है। काफ़ी हार्ड कंसिस्टेंसी होती है इसकी। प्योरिटी की इसकी बात करें तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत प्योर होता है, इसीलिए इसे इसेंशियल ऑयल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रोजमेरी का इसेंशियल ऑयल आप जब देख रहे होंगे यूट्यूब पर आजकल, तो उसमें दिखा रहे होंगे कि मात्र 100 रुपीज़ में आपके हेयर के लिए। तो फ्रेंड्स, ये इसलिए कि आप इसे नारियल तेल में या अपने फेवरेट ऑयल में मिक्स करके लगा सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि अगर ये हमको 170 की मिल रही है और इसकी 2 से 3 ड्रॉप ही काफ़ी हैं, तो फिर हम वाटर कंसिस्टेंसी का रोजमेरी इसेंशियल ऑयल क्यों लें? तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हमारा हेयर स्कैल्प कैसा है। जैसे कि कुछ हेयर स्कैल्प्स ड्राई होते हैं एंड कुछ हेयर स्कैल्प्स होते हैं ऑयली। तो अगर आपका हेयर स्कैल्प्स ड्राई है, जिसके लिए इसेंशियल ऑयल की ये छोटी बॉटल काफ़ी है, क्योंकि आपको इसमें ये करना है कि बस 2 से 3 ड्रॉप आपको अपनी कोई भी फेवरेट ऑयल में मिलाइए और मसाज करिए। एंड फ्रेंड्स, कोशिश करिए कि ऑयल जब भी आप लगाएं तो बहुत ज़्यादा 1 घंटा, इससे ज़्यादा आप उसे मत लगाइए। सेकंड फ्रेंड, हम बात करते हैं कि अगर आपका स्कैल्प ऑयली है तो इसेंशियल ऑयल आप डायरेक्ट तो अपने हेयर में नहीं लगाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए। तो इसके लिए कोई बैरियर होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया नारियल का तेल या जो भी आपका फेवरेट ऑयल हो उसमें मिलाकर आप इसे लगा सकते हैं। अब बात करते हैं अगर आपका स्कैल्प ऑयली है तो क्या आप इसेंशियल ऑयल लगाएंगे? फ्रेंड, अगर आपका स्कैल्प ऑयली है और आप उसमें ऑयल और लगाएंगे तो क्या होगा? आपका हेयर फॉलिकल्स ब्लॉक होंगे, आपकी हेयर ग्रोथ नहीं होगी। तो इसलिए आपके लिए फेवरेट एंड बेस्ट रहेगा कि आप एल्प्स गुडनेस का रोजमेरी वाटर लगाएं। तो क्योंकि मैं दोनों को ही यूज़ कर चुकी हूँ ऑयली स्कैल्प होने के कारण, मुझे एल्प्स गुडनेस का रोजमेरी वाटर ज़्यादा सुटेबल एंड अच्छा लगा। बात करें, दोनों ही आपको पर्पल पे मिल जाएंगी, दोनों ही आपको डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा। तो अब आप ध्यान रखिए, आप इस धोखे मत रहिए कि अगर छोटी बॉटल ले रहे हैं तो ये ज़्यादा फ़ायदा करेगी एंड इसका कम कंसिस्टेंसी में ही हमारे 6-7 मंथ चल जाएंगे, बिल्कुल चल जाएंगे। लेकिन ड्राई स्कैल्प वाले इसे लें, अगर ऑयली स्कैल्प है तो प्लीज़ इसे अवॉइड करें, क्योंकि डायरेक्ट तो आप इसे लगाएंगे नहीं, लगाएंगे आप किसी ना किसी ऑयल के साथ ही मिला के। तो अब आप समझ गए होंगे। बात करें कि फ्रेंड्स, रोज़मेरी रियल में हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। इसका भी रिज़ल्ट मैं आपको शो कर रही हूँ, आप देख सकते हैं 1 week, 2 week and 1 month मैंने इसका रोज़मेरी वाटर का वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और ये उसी का रिज़ल्ट है जो मैं आपके आगे शो कर रही हूँ। इसने मेरे धीरे धीरे स्कैल्प के जहाँ पे हेयर मुझे लग रहा था कि अब नहीं आने वाले हैं, वहाँ पे भी इसने अच्छी सी हेयर ग्रोथ मुझे दिखाई है। तो फ्रेंड्स, रियल में रोज़मेरी का जितनी तारीफ़ करो कम है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे, दोनों ही अलग अलग अपने अपने बेनिफिट के लिए हैं। वाटर कंसिस्टेंसी वाला फ्रेंड सिलिकॉन फ्री है, सल्फेट फ्री है, पैराबिन फ्री है, बेस्ट रिजल्ट है इसका। 1 बॉटल मैं लगा चुकी हूँ, उसके बाद मैंने बड़ी बॉटल मंगाई है, उसका भी मैं आपको साइड में वीडियो डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं, क्योंकि मुझे इसके रिज़ल्ट अच्छे लगे। मेरे लिए यही बेनिफिशियल है, ऑयली स्कैल्प वाले रोजमेरी वाटर के साथ जा सकते हैं एंड ड्राई स्कैल्प वाले रोजमेरी इसेंशियल ऑयल के साथ जा सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा वीडियो फ्रेंड पसंद आया होगा। थोड़ा सा भी अगर आपको लगता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ फ्रेंड। ओके फ्रेंड, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। अगर आपको जानकारियाँ लेना कॉस्मेटिक के लिए अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय फ्रेंड।